एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, बूंदी का रायता आपने बहुत खाया होगा, मगर बूंदी की सब्जी नहीं खाई होगी। तो देखिए हमारी ये रेसिपी, जो कि 5 मिनट है, क्योंकि गर्मी गर्मियों में ज्यादा देर किचन में खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो बनाइए ये 5 मिनट रेसिपी, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बूंदी की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की। मेरे किचन है, आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी की सब्जी, जो राजस्थानी बूंदी की सब्जी। देखिए आपने, देखिए घर में बहुत सारी सब्जियां हैं, बट हमारा मन नहीं है बनाने का, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आप नहीं चाहते कि हम 5 मिनट भी किचन में खड़े हों, तो ये उसके लिए बहुत इजी 5 मिनट की सब्जी है, जो कि 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। आप अगर लहसुन खाते हैं तो इसकी जगह पर 2 से 3 कलियां लहसुन की डाल दीजिए, बस। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं तब तक, और इन इंग्रेडिएंट को आपस में पीस लेते हैं। ये देखिए, ये ऐड किया हमने प्याज, टमाटर, अदरक का टुकड़ा और ये हरी मिर्च, जिसको तोड़ देंगे और पीस लेंगे, ठीक है। देखिएगा ये पीस चुका है, पीस के रेडी है मसाला हमारा। तो चलिए बनाते हैं। देखिएगा हमने 2 से 3 स्पून डाल लिया है ऑयल, जो भी आप ऑयल खाते हो, ठीक है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, 1/2 टेबल स्पून, और उसको तड़कने देंगे अच्छे से। ये देखिएगा अब हमारा जीरा भुन चुका है, तेज पत्ता आप डालना चाहें तो डाल दें, हम नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए अब वही मसाला, ये देखिएगा उसी मसाले को जो हमने पीसा था वो ऐड कर देंगे इसमें, और इसको हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए अब प्याज में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 पिंच ब्लैक पेपर। देखिए अगर आप लाल मिर्च पाउडर खाते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, हमने इसमें ग्रीन मिर्च पीस ली थी, क्योंकि बच्चे हमारे ज्यादा तीखा नहीं खा पाते हैं, और तो इस वजह से हमने नहीं डाला है। तो आप डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर, और कश्मीरी मिर्च पाउडर अगर डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने नहीं ऐड किया हुआ है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें ऑयल ना छोड़ दे, तब तक के लिए। ये देखिएगा इसको अच्छे से भूनेंगे। एक बात और, हमारी पूरी वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट में हम बताएंगे कि अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो उसकी जगह पर क्या क्या इंग्रेडिएंट आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी सब्जी बहुत अच्छी और बढ़िया ग्रेवी वाली बनेगी। देखिए गाइस, पहले से मसाला कम हो गया है, बिल्कुल हाफ रह गया है, हाफ से भी कम। अब ये हमारा मसाला भून चुका है, ऑयल भी साइड में दिखने लगा है, इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो अपना 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं सब्जी। तो इसको अब ऐसे ही पकाएंगे, और इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक। देखिए इसमें गाइस बहुत सारे मसाले हमने यूज नहीं किए हैं, क्योंकि किसी किसी के यहाँ नहीं इतने ज्यादा मसाला खाया जाता है, या घर में ना हो तो क्या करें, तो इसलिए अब इसमें हम पानी ऐड किया हुआ। देखिए थोड़ा सा थिक लग रही है, तो 1/2 ग्लास पानी और ऐड करेंगे इसमें। गाइस 1/2 ग्लास पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि इसको पकाएंगे थोड़ा सा, तो इसमें फ्लेवर जो होगा वो अच्छा आएगा पकने के बाद, ठीक है। तो यानी 1.5 ग्लास पानी हमने ऐड किया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं बूंदी हमारी कितनी है, 1/2 कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा, यानी 1 कटोरी से थोड़ी सी कम और 1/2 कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा। और अगर एक बात और, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखें ना, तो ये भी पता चल जाएगा हमारे पास बूंदियां कम हैं, तब भी आप ज्यादा लोगों के लिए खाना कैसे बना सके। तो चलिए इसमें नमक ऐड करते हैं। ये देखिए गाइस, स्वाद के अनुसार नमक। देखिए थोड़ा सा नमक हमने कम इसलिए किया हुआ है, हमने थोड़ा सा कम डाला है नमक, क्योंकि जो बूंदियां हैं वो हमारी घर की बनी हुई हैं, ठीक है। तो उनमें भी हमने नमक और हींग ऐड किया था, ठीक है, बूंदियों में भी हमने हींग और नमक ऐड किया था, इसीलिए हमने सब्जी में भी हींग नहीं ऐड करी है। और आप अपनी, अगर आप घर की बूंदियां ना इस्तेमाल करें, तो मार्केट की बूंदियां इस्तेमाल करें, तो नमक अपने अकॉर्डिंग डालें और हींग जरूर डाल दें, क्योंकि बेसन की बूंदी में, बेसन की कोई भी सब्जी है आप बनाते हैं तो उसमें बूंदियों, उसमें नमक जरूर ऐड करना होता है। अब इसको हम पकने देंगे 1 मिनट तक। ये देखिए इसको ऐसे ढकेंगे और 1 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। ये देखिएगा उबाल आने लगा है, ठीक है, तो उसको अच्छे से पकाएंगे ऐसे करके। बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। तो हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप, अगर आपके पास ज्यादा लोगों का सामान, ज्यादा लोगों के लिए सब्जी बनानी है और कुछ नहीं भी है, तो भी आप
बूंदियां कम है तो आप कैसे बनाएं। और देखिए इसकी ग्रेवी जो है अभी पतली लग रही है तो थोड़ी सी और हम पकाएंगे। तो अगर बूंदियां हमारे पास सिर्फ एक कटोरी ही है और लगभग 5 से 6 लोगों के लिए बनाना है तो भी हम बताएंगे कि आप कैसे बनाएं इतनी सी ही सब्जी में। और लास्ट तक बने रहिए, बताएंगे लास्ट में। ये देखिए गाइस हमारी सब्जी बनकर रेडी है, बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर देंगे आप, ठीक है। और आप इसमें धनिया डालेंगे और भी जो चीजें डालनी है वो डालेंगे। ये देखिए गरम मसाला 5 से 6 पिंच समझ लीजिए क्योंकि 2 लोगों के लिए बनी हुई है इसलिए। और अब इसमें ऐड करेंगे बूंदियां, ठीक है। आपको क्रंची बूंदियां अगर खानी है कि रसा मतलब गीली गीली ना हो तो आप जिस टाइम सर्व करें खाने को उस टाइम डालें और 2 मिनट के लिए रख दें और सर्व कर दें, ठीक है। तो चलिए हमने ये पहले से ही डाल दिए हैं तो इनको 5 मिनट के लिए रख देते हैं उसके बाद सर्व करते हैं। देखिए गाइस 5 मिनट हो चुका है तो अब अपनी सब्जी को हम सर्व करेंगे इस बाउल में इस तरह से। ये देखिए गाइस हमारी बन के एकदम यम्मी यम्मी सब्जी तैयार है खाने के लिए, सर्व करने के लिए। तो अभी हमने इसमें ग्रीन धनिया हरी धनिया नहीं ऐड करी है, आप चाहे तो हरी धनिया ऐड कर दें, हमको थोड़ी सी ज्यादा हरी धनिया अच्छी लगती है तो अगर हम डाल देते तो आपको लोगों को दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं हमने ऐड करी है इसमें हरी धनिया। और देखिएगा अब आप लास्ट में हमारी टिप्स सुनिए, अगर आपके पास बूंदियां इतनी नहीं है, मतलब बूंदियां इतनी ही है मगर सब्जी बनानी है 4 से 5 लोगों के लिए तो आप मसाला जब हम डाल रहे थे उसी टाइम पर आप 1 स्पून बेसन ऐड कर दीजिए और उस बेसन को मसाले में भून लीजिए अच्छे से, उसके बाद बनाइए तो आपकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, इतना ज्यादा कम पानी नहीं लगेगा तो उसमें पानी ज्यादा ऐड हो जाएगा। बेसन भी नहीं ऐड करना चाहते तो आप 1 से 2 उबले हुए आलू मैश करके ऐड कर दीजिए तो वो भी आपका काम करेगा। और अगर बेसन भी नहीं ऐड करना चाहते तो आप ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड की पीस जो ब्रेड का चूरा बना लीजिए आप मिक्सी में डालकर और वो चूरा आप ग्रेवी में ऐड कर दीजिए और ग्रेवी में ऐड करने के बाद उसको पका लीजिए अच्छे से तो वो गाढ़ा जल्दी हो जाएगा और आपकी सब्जी 5 से 6 लोगों के लिए बन जाएगी। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज बनाइएगा जरूर, और अगर बनाया है तो फिर अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा और आप कमेंट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।